केंद्र सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री की जो एंट्री की है, जिसमें उच्च पदों पर बिना किसी परीक्षा के इंटरव्यू के उनमें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कैबिनेट मंत्री है दिल्ली सरकार में, उनसे जानेंगे। सर पहले तो ये बताइए, जो लेटर एंट्री की जा रही है इसका क्या नुकसान क्या है इसका? इसका नुकसान ये है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो कड़ी मेहनत करके यूपीएससी का एग्जाम पास करके आईएएस बना करते थे, और उनकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि जो डायरेक्ट एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं से तो कटेगा ना, तो फिर वो उनके हक और अधिकार में से काट के और डायरेक्ट भर्ती जो करेंगे अपने चाहते लोगों को देंगे, तो निश्चित तौर पर इस पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुत भारी नुकसान है जी। तो ये जो ये लेटरल एंट्री की है, ये किसी विशेष वर्ग को ऊपर उठाने के लिए और किसी वर्ग को नीचे दबाने के लिए? सर जो वर्ग पहले से उठा हुआ है, जिसका पूरे देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है, जिस वर्ग के लोगों का पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेक्रेटरिएट, सब जगह जिनका वर्चस्व है, फिर भी मतलब उनके अपने रिश्तेदारों को सेटल करना है उन्हें, और अपने पूंजीपति दोस्तों को सेटल करना है उनके दोस्त उनके रिश्तेदारों को, उनके लिए ये। अदरवाइज अगर ये कह रहे हैं कि हमें एक्सपर्टाइज चाहिए, जो लोग जिंदगी भर नौकरी में करके पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं, क्या वो काबिल नहीं है? क्या आप देश के सारे ब्यूरोक्रेट्स की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? अपने जो IIM से IIT करके जो देश के अंदर टेक्नोक्रेट भी जो भारत सरकार के अलग अलग PSUs के अंदर हैं, क्या आप उनको मतलब काबिल नहीं समझ रहे हैं? और जब डेपुटेशन की व्यवस्था है, तो आप देश के अंदर जहाँ से भी इस तरह की काबिलियत आपको चाहिए वो डेपुटेशन भी ले लीजिए। आप तो ये खत्म ये करके रिजर्वेशन की पॉलिसी को खत्म कर रहे हो जी। सरकार बार बार यही तर्क देती है कि ये जो हम लेकर आए इससे बेहतर तरीके से वो बागों में काम होगा। सर नहीं, बेहतर तरीके से तो नियत से होगा, जब आपकी नियत ही काम करने के नहीं है। जो भारत सरकार ने इतने सारे हमारे इंस्टीट्यूशन जो खड़े थे और जो भारत सरकार को हमेशा कमा के देते थे, उनको आपने घाटे में पहुंचा दिया, उनको बेचने में लगे हो। आपकी नियत का तो हमें पता है, आपको देश से प्यार नहीं है, देश के लोगों से प्यार नहीं है, आप देश को बेचने वाले हैं। जो सर हमारे SC ST OBC के नेता बैठे हुए संसद में, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ जो आवाज है वो उठा क्यों नहीं रहे? हर बार सोशल संगठनों को क्यों आवाज उठानी पड़ती है? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो समाज का गला घोट रहे हैं जी। समाज के हक अधिकार उनके सामने छिन रहे हैं और वो चुप हैं। चुप नहीं रहना चाहिए, वरना वो शायद अपनी कुर्सी को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे आने वाले समय में। तो 16 फरवरी के कार्यक्रम के बारे में लोगों को क्या कहना? मैं एक बात कहूंगा, दो चीजें हैं। एक तो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग रिजर्व सीट से जीत के आए, आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके हक अधिकार की बात को उठाओ। नहीं उठा रहे तो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो एक तरीके से। और दूसरा, मैं दिल्ली NCR के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, 16 तारीख को मिशन जय भीम ये प्रदर्शन कर रहा है और केंद्र सरकार को ज्ञापन देगा। आप लोग भी अपने बैनर झंडे के साथ, अपनी अपने संगठन के साथ आप आने के लिए आप आमंत्रित हैं। आप भी आइए सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर 16 तारीख को, और इसमें शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस प्रदर्शन में शामिल होकर अपना ज्ञापन केंद्र सरकार को दीजिए जी। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कैबिनेट मंत्री है दिल्ली सरकार में, वो काफी बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो लेटर एंट्री हुई है वो उसे संविधान अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। मैं रविंदर सिंह, MNTV दिल्ली।